मसीह चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक जरूर करें ताकि आपको वीडियो मिले आपकी यूट्यूब की होम स्क्रीन पर। सुबह का मना 14 जुलाई 2021, निकम्मी बातें। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो उन्होंने निकम्मी बातें मनुष्य से कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। मत्ती 12:36। हवा के सर्प के साथ एक छोटी सी मूर्खतापूर्ण बातचीत हमारी मानव जाति के लिए विनाश और दुखद अंत ले आई। उसने सोचा होगा, सर्प के साथ बातचीत करने में क्या गलती है। जो भी हो, हम तो केवल आत्मिक विषयों के बारे में ही बातें कर रहे हैं, इसलिए हम इस विषय में सावधान रहें कि हम कैसे बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं और किससे बात करते हैं। राजा रहुबाम ने अपने कर्मचारियों के साथ जो मूर्खतापूर्ण बात की, इसी के कारण इसराइल राज्य दो भागों में बट गया और इसके परिणाम स्वरूप भयानक युद्ध हुए। जीभ एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी ढींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। यकूब 3:5। इतनी बार हम एक मजाक के लिए या समय बताने के लिए जो अनैतिक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उसके गंभीर परिणाम को हम समझ नहीं पाते हैं। 17वीं सदी के एक परमेश्वर के जन जॉर्ज फॉक्स बिजली चमकने के समान शब्दों के लिए और कम और परिपूर्ण शब्दों के लिए जाना जाता था। उसने अपनी गवाही में कहा, परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि मेरे वचन कम और स्वादिष्ट हो, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलूना हो। ऐसे प्रेरित पौलुस ने सिखाया। कुलुसियों 4:6। हमारी बातचीत, हमारे हरेक शब्द उन्नति के लिए उत्तम हो और उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। इफिसियों 4:29। सुबह का मना, जो सच्चाई आप वीडियो के माध्यम से जानते, जिस सच्चाई द पेंटिकॉस्ट मिशन के संतों के द्वारा दी गई है। गॉड ब्लेस यू।